ओके अच्छा इतना बड़ा ऑफिस काफी हेवी है गुड मॉर्निंग गाइज एंड दिस इज सेकेंड डे एट जुए सो अर्ली मॉर्निंग साढ़े सात बज चुके हैं ऑलरेडी हम लोग जाना था 6:30 बजे यहाँ से कुछ कितना दूर है जेटी 8 किलोमीटर यहाँ से 8 किलोमीटर एक जेटी है जहाँ पर फिश आती है जैसे भाऊचा तक का अपना मुंबई का जहाँ पर फिश आती है जैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ पर ऐसी यहाँ पर एक जेटी है जहाँ पर काफ़ी सारे फिश आते हैं बोट्स आती है और आप लोग वहाँ पर होल सेल में आप लोग फिश बहुत सारा खरीदी कर सकते हो सब लोग रत्नागिरी स्टैंड से सीधा आना है आपको सो इट विल टेक हार्डली फ्यू मिनट्स फाइव मिनट्स अराउंड और उसके बाद आप लोग राइट टर्न है जो जाता है मेन जेटी के लिए जहाँ पर आपको लेफ्ट लेना है राइट अभी अच्छा ये वाला मिरकरवाड़ा जेटी जो रत्नागिरी में वहाँ पर आपको फिश काफी सस्ते में मिलेंगे मिरकरवाड़ा जो फिश मार्केट है वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मतलब बहुत बड़ा है ये फिश मार्केट मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर वो है सब बहुत सारा लगती है वहाँ पर ये है मार्केट तो यहाँ से चालू हो जाता मार्केट तो चलो जाते हैं फटाफट और फिश खरीद लेते आपका नाम रफ्तार बहुत तेज रहती है सुरमई बोलते हैं ना सुरमई सुरमई फिश है ये फिशरमैन भी है और इधर आप जाते हो ठीक है यस थैंक यू सो मच टोल फिश राइट इसको टोल फिश बोलते हैं सो मेनी फिशेस आफ्टर देम आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ यू गाइस नो अगर आप लोग टोल फिश ले रहे हो ना तो ये ना गोल टाइप होना चाहिए सर्कल टाइप होना चाहिए अदरवाइज ये ऐसा वाला ना इसको ज़्यादा ये नहीं रहती टेस्ट नहीं रहती ये फ्लैट टोल है ना इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं रहती है ये जो हम लोगों ने लिया है ना ये राउंड टोल है ना ये वाला ये आप लोग ले हुए ना इसको टेस्ट काफ़ी अच्छी है किसका ये 100 rupees का जहाँ पर आप लोगों सब फिश मिलता है सो दिस इज फॉर दिस एंटायर प्लेट फॉर 100 rupees एंड नाउ दैट्स चीप आई थिंक सो या दैट्स चीपर देन व्हाट वी गेट एट द मुंबई डॉक सो दैट्स डेफिनेटली चीप 100 rupees फॉर आई थिंक अराउंड देयर आर लाइक मौशी जो मध्ये छोटे आहेत ना छोटे वाले छोटे ते मिक्स असतात रे बाबा तू आता ना हाँ थोड़े टाका आता आम आम अजुन एक दोन क्रैब इज डेफिनेटली ऑन द मेन्यू कानट फिश इसका रसा टाइप बनाते होंगे ना करी बनाते होंगे ना इसका इसे कटला फिश बोलते हैं हाथ घेऊ का चालेल ना हाँ मतलब क्या क्या चिलापे ओके इसका यहाँ का लोकल नेम है चिलापे और शायद हम लोग इसको कटला बोलते हैं आई डोंट नो आई माइट रॉन्ग अलीबागला वगैरह ना कटला है
यह जेटी जहाँ पर ये छोटा छोटा बोट है जो लगता है यहाँ से, और यहाँ पर होती है पूरी लीलाओं, 1 किलो 2 किलो कैसा होता है फिर भी 1 किलो का और कैसे? 1 किलो 120 में, 120 में ही होगा। अच्छा बोलते अच्छा गारफिश इंडियन मैकरल राइट, 150 रुपीज़ kg ओके 150 रुपीज़ kg 100 रुपीज़ kg और ये कौन सा है? ये भी गारफिश टोल बोलते हैं उसको लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया। जुनेद सी फूड ओके रत्नागिरी ओके। ये है शार्क फिश, सीधा पकड़ना उल्टा पकड़ा है तुमने। इतना बड़ा फिश जाते हैं, छोटा छोटा बोट रहता है, काफ़ी बड़ा बोट है एक्चुअली, छोटा भी नहीं है काफ़ी बड़ा बोट है। तो पर तो लोग जाते हैं दो दो तीन तीन दिन के लिए अंदर खुले समुद्र में जाते हैं, वहाँ से वो लोग फिश लेके आते हैं यहाँ पर आके डॉक में आके ये लोग सेल करते हैं। अंदर स्टोरेज रहेगा, पूरा स्टोरेज के अंदर से ये फिश निकालेंगे एंड दे विल सेल इट टू लोकल मार्केट। हम लोगों ने 3-4 टाइप का फिश ले लिया है, उसमें टोल लिया है हम लोगों ने, फिर स्क्विड्स लिया है और क्या इसमें क्या बोलते हैं स्क्विड्स और क्लैम्स लिया है, क्लैम शेल्स, सो वो ले चुके हैं और सुमित एंड विक्रांत कुछ सुरमई लेने का ट्राई करें, वी आर नॉट गोइंग देयर। सो सुरमई फिश 500 रुपीज़ किलो में लिया है, आई डोंट नो माइट बी एक्सपेंसिव, बट बाहर लोग अगर लेते हो तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव रहता है। सो चाय के साथ आगे जाते हैं। एक्चुअली फिश हो चुका है यहाँ पर लेके, अब जा रहे हैं और एक प्लेस पे, एक्चुअली बहुत सारा फिश लिया, सो यहाँ से हम लोग जाने वाले और एक प्लेस पे, मैं बता दूँ आपको प्लेस। ये अननोन प्लेस है जो किसी को मालूम नहीं है ज्यादा, बट यस यहाँ पर आते हो तो जो पानी चढ़ रहा है उस टाइम का और उतरने का टाइम का ध्यान रखना है, बिकॉज ये रिस्की है। कैसे निकालो इसको? हाँ पकड़ दे, लगा थोड़ा चावला था एकदम, थोड़ा बारीक चावला पकड़, मरा हुआ है ना, मिले ना सिर आई, मरा हुआ है, मरा हुआ है वो शैले, वो सिर्फ नहीं 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 मरा हुआ है शैले ना, वो सिर्फ, अरे मरा हुआ है, शेड करके गया है क्या? हाँ किसी ने तोड़ा है उसको, आज दे पकड़ 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 ना, चाहो ना पकड़ ये ला, अरे अगर बल्कि करता है तो अच्छा
हाँ हाँ, इसके हाथ नहीं रखना है, बराबर ना? अच्छा एंड दे हार्वेस्ट द ऑयस्टर्स टेस्टी टू ईट. ओके, इसको मैं करने वाला हूँ ट्राई कच्चा. लेट्स सी. सॉल्टी, बहुत सॉल्टी डिश है. बाय, थैंक यू. This right here, these right here are the ingredients of the ghost. And now coconut. This is kokum pulp, and the entire juice goes into the marination. Wow, that already looks yummy. And you all should smell this. Smells absolutely amazing. What kokum also does is gives it a tang. It gives it a little texture. At the same time, now in goes chili powder. It's not very spicy. It gives it a color. So I was talking about kokum. What kokum does is it cuts the flavor of the fish. It cuts the fishy smell that it has and gives it a tangy taste and a completely different texture. It completely transforms the fish. Yeah. So now she's going to marinate it with her own hands. Basic rice flour and then that's fried. A little bit of cut onion. So this is going to be our lunch for today. I'm excited. I'm tired. खाना एंजॉय कर देता हूँ. आप लोग जाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.